In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे personal statement के बारे में, जिसने अगर आपको मालूम है कि Lord Jesus करीब से करीब आता जा रहा है और तलवारें भी कमर कस ली है और आखिरी दिनों के अंदर तैयारी करने का इरादा कर लिया है। तहम ये वीडियो आप देख रहे हैं कि हम जानेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट टाइम जो पर्सनल स्टेटमेंट आई उसमें क्या था, मेरे सामने पर्चा मौजूद है लास्ट टाइम का, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि आपने कभी किसी की मदद की, इस सवाल की वजाहत करते हैं। ये पर्सनल स्टेटमेंट में आई थी। अब इसमें क्या लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट आपने जब भी लिखनी है, जौन सा मर्जी टॉपिक आ जाए, डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाए, मशी बुरहान के ऊपर आ जाए, आइन के ऊपर आ जाए, वो कोई सोशल इशू के ऊपर आ जाए, नेशनल इशू के ऊपर आ जाए, इंटरनेशनल इशू के ऊपर आ जाए, जिसके ऊपर मर्जी आ जाए, मेरा दिया हुआ जो पैटर्न है उसके अंदर बच्चों ने 10 में से 10 नंबर भी लिए हैं, ये गारंटी शुदा है, मेरे कमेंट्स आगे पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम के। आपने करना क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें, आपका इंट्रोडक्शन होगा, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन, आपका स्टेटस, आप तालिबे इल्म है, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन बहैसियत एक तालिबे इल्म ये राय रखता हूँ, अब आपका ओपिनियन शुरू होगा, ये तीन चीज़ें, आपका इंट्रो, जस्ट आपका नाम, आपका स्टेटस, आप तालिबे इल्म है, थर्डली आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप इसके ऊपर क्या राय दे रहे हैं, आपकी जाती राय है ना पर्सनल स्टेटमेंट, दरअसल ये पर्सनली आपका इंटरव्यू हो रहा है, जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये आपका पर्सनल इंटरव्यू है, आपकी सोच देखी जा रही है, इस सोच के नंबर आपको मिलने टोटली, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड इसमें पैराग्राफ आपने नहीं बनाने, इसमें ऐसे में मुकम्मल तौर के ऊपर एक पूरा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपने सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर मेन बॉडी लिखनी होती है, फिर कंक्लूजन लिखना होता है, मेन बॉडी के अंदर आपको खास डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने इस खास पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लिखना है, मेरा उसके ऊपर पूरा लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है, पर्सनल स्टेटमेंट सिंपल सी है, ये एक सफ़ा है, एक साइड इसकी ये है, एक साइड इसकी ये है, आपको सिर्फ आधी साइड यानी कि एक साइड मिलेगी आपको, एक पेज की दो साइड्स होती हैं, आपको सिर्फ एक साइड मिलेगी, आपने उसके ऊपर उस एक साइड के ऊपर आपने लिखना होगा, शुरू से स्टार्ट करना है, नीचे पे आप खत्म कर देना, कोई पैराग्राफ आपने नहीं बनाना, शुरू से आपने स्टार्ट करना है, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन, मेरा इंट्रोडक्शन मुकम्मल, बहसी तक तालिबे इल्म, मेरा स्टेटस मुकम्मल, ये राय रखता हूँ, मेरा ओपिनियन शुरू हो गया जी, यानी कि पहली लाइन के अंदर आपने अपना इंट्रो भी करवा देना है और अपना स्टेटस भी बता देना है, दूसरी लाइन से आपने अपना ओपिनियन शुरू कर देना है, यानी कि आपने कभी किसी की मदद की, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन बहैसियत तालिब इल्म ये राय रखता हूँ, गुज़िश्ता एक अरसे में मैंने काफ़ी सारे लोगों की मदद की है, जिनमें से चंद एक किए हैं, मैंने डैश 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 उस सारा आपने लिखना सच है, झूठ बात नहीं लिखनी, कोई फिलोसफी और ऐसी चीज़ या कोई नहीं लिखनी जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जो हवाई चीज़ें नहीं लिखनी है आपने, बातें वो लिखनी है जो रियल हैं, जो बंदा पढ़ रहा है ना, जो आपके पर्सनल में कोई रीड कर रहा है, जिसने आपको नंबर देने हैं, वो भी इंसान है और वो भी पाकिस्तान में रहता है, उसको पता है क्या सच है क्या झूठ है, झूठ नहीं लिखना, लिखना सच है आपने, आप जो लिखेंगे आपको आपके कंटेंट के नंबर मिलेंगे, ये पर्सनल स्टेटमेंट आई थी लास्ट टाइम, इस बार पर्सनल स्टेटमेंट कौन सी आएगी इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई आपको पता है, चीज़ें थर्टी बताता होता हूँ मैं आपको, ये मालूम है, लेकिन मैं कुछ अभी आपके अब आप सामने कुछ नाम ले लेता हूँ कुछ किस के ऊपर आ जाती है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा अभी, मेरे उसके ऊपर अभी वीडियो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अभी मेरी वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे हमें करें, कौन कौन से ऐसे ना करें, ठीक है जी, आपको आ सकता है एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस इनके टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, इसके ऊपर अलग ऐसे आ सकता है, टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हैं इस पर ऐसे अलग आ सकता है, टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान क्या हैं इसके ऊपर अलग ऐसे आ सकता है, आपको अपना मैशियत के ऊपर ऐसे आ सकता है, माशी बहरान के ऊपर ऐसे आ सकता है, माशी बहरान को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है, आपको कहने के वो इंटरनेट के फायदे नुकसान पूछा जा सकता है, आपसे इंटरनेट की मदद से तालीम की बेहतरी, इंटरनेट की मदद से तालीम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है इसके ऊपर, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है जी, मजीद अगर बात करें मोबाइल फ़ोन के फायदे, मोबाइल फ़ोन के नुकसान आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दो अलग चीज़ें हैं, इसको आपने कभी भी मिक्स नहीं करना, ठीक है जी, आपको वो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद, कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है, आपको इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है, ये आ सकता है, तीन शख्सियात अहम जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, पहली चीज़ सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जना और अलामा मोहम्मद इकबाल, ये तीन शख्सियत को आपने पढ़ के जाना है, शख्सी ऐसे भी आ सकते हैं शख्सियत के ऊपर, तो ये आपने तीन शख्सियत और सबसे सुप्रीम जो शख्सियत हैं वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ऊपर मस्ट पढ़ के जाना, उनके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसे आ सकता है, साथ ही साथ अगर बात करें सेहत के ऊपर ऐसे आ सकता है, सेहत यानी कि सेहत से एक टॉपिक है हेल्थ, हेल्थ के ऊपर मुक्ति तरीके से जो है टॉपिक आपको दे सकता है, वो कह सकता है जी हेल्थ डाउन हो रही है, इनकी बिगड़ती हुई सेहत को
किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ सकता है सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद जिसम ही सेहतमंद दिमाग होता है, इनकी लाइक हेल्थ से रिलेवेंट वो पूछ सकता है आपसे, लेकिन इसके चांसेस कम है। ठीक है, चांसेस कम है। पॉलिटिकल ऐसे आपको आ सकता है, माशी बुरान के ऊपर ऐसे आ सकता है, सियासी इस्तेहसाल इसके ऊपर आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने अपना खास फोकस रखना है। ये नहीं है कि इंटरनेट के फायदे इंटरनेट के नुकसान पड़े तो जी काम नहीं, इंटरनेट है, इंटरनेट को 100 चीज़ों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट को आप पेपर ख़त्म करने, पेपर का जो है ना वो इस्तेमाल ख़त्म करके इंटरनेट के जरिए तालीम को बेहतर, इसके ऊपर ऐसे आया भी हुआ है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। इंटरनेट की मदद से जो कह लें कि वो बहुत सारे इंटरनेट की मदद से तालीम हासिल की जा सकती है, इंटरनेट की मदद से वो कह लें कि और बहुत सारे फायदे हैं, यानी कि आपने इसके लिए फुल प्रिपेयर होकर जाने हैं। इंटरनेट के ऊपर आपने ऐसे सर्च कर लेने हैं, इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से ऐसे आ सकती हैं, या आपने लिख देना है ऐसेज अबाउट इंटरनेट, तो आपके सामने काफ़ी सारे टॉपिक दे देगा यूट्यूब के ऊपर, या यूट्यूब पे नहीं गूगल के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इंटरनेट, मैं आप कह रहा हूँ अभी मेरी ऑफिशियल वीडियो ऐसे के ऊपर नहीं बनी है, मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ, आपने सुन लेना है। अभी वो कह लें कि वो 48 घंटे पहले मेरी वीडियो आएगी, 48 या 72 घंटे पहले, तो वो आपने देखनी है, लाजमी देखनी है। ठीक है, वो कोई मुझे उम्मीद है कि मैं जुमे को वो वीडियो अपलोड करूँगा जो ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट की, अभी आप इसको सुन लें। पर्सनल स्टेटमेंट जो मैं अभी एक्चुअली मैं बात कर रहा था पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि इसके अंदर आपने उस टॉपिक को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और राय देनी है, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक ऐसा होता है कि आपने सिर्फ उसके ऊपर राय देनी होती है, वो टॉपिक आप ऊपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मिसाल लेते हैं जी, हम पाकिस्तान को सरसब्ज किस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान को सरसब्ज करने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। भाई मुझे यही आई थी पर्सनल स्टेटमेंट, मैंने लिखी थी इस टॉपिक को हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, भाई हम पाकिस्तान को सरसब्ज कर सकते हैं ना, कि मैं अपना किरदार तो अदा कर सकता हूँ ना भाई। मैंने इसमें लिखा था, मेरा नाम अब्दुलरहमान यासीन बहसी तालिबे इल्म, ये राय रखता हूँ कि पाकिस्तान को सरसब्ज करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाने की जरूरत है, जिनमें से चंद एक ये हैं। उसमें मैंने लिखा कि हम अपने स्कूल और कॉलेज में इस चीज़ की कंपेन चला सकते हैं, मुहिम चला सकते हैं, हम अपने कम अज़ कम अपने घर में क्यारियों में जो है ना वो फूलों को उगा सकते हैं, हम दरख्तों को उगा सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यानी कि जो है ना पौधों के फायदे बताए कि जो है ना ये ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जरिया है, और काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी, यानी कि इसको पहले मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट किया, मैंने कहा ये हो सकता है, मैंने बता दिया। यानी कि ये कुछ टॉपिक ऐसे होंगे अब, जिस तरह की ये वाला टॉपिक है कि आपने कभी किसी की मदद की, आपने बताना है आपने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, मैंने कितनी कितनी मेहनत की थी, मैं किसी की मदद की थी मैंने, राइट। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप उसको इंप्लीमेंट आपने ऊपर नहीं करना। मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान को माशी बहरान से किस तरह निकाला जा सकता है। अब पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना, अब ये तो जो है ना वो अपना चाहिए कि साकदार को चाहिए कि वो उसको पता हो कि किस तरह निकालना है। ठीक है, यहाँ ये मुफ्ती इस्माइल को चाहिए कि वो कैसे निकाले ये आम। अब मैं इस टॉपिक को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं राय दे सकता हूँ कि अगर आप करप्शन को रोकें, अगर आप सियासी इससे साल का खात्मा करें, आप वो कह लें कि वो एक पॉलिटिकल शाउट लेकर आएँ, आप आइन की पासदारी करें, जो गवर्नमेंट आए मेरिट के ऊपर आए, यानी कि हम इसके ऊपर एक राय दे सकते हैं, भाई यार ये राय है इसके लिए आप इसको ठीक कर सकते हो। इसको आप ऊपर इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में जुडिशरी को किस तरह ठीक किया जा सकता है, भाई जुडिशरी आप जुडिशरी थोड़ी हो, जो जुडिशरी हैं उनको आप राय दो भाई ये नहीं ये कर लो तो आप ठीक कर सकते हो। और कोई मिसालें लेते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये पर्सनल स्टेटमेंट आ गई, आप इस पर राय देंगे, अब आप कहने से क्या वो फांसी रुक जाएगी या वो लग जाएगी, आप कहने से कुछ नहीं होना ना। इस टॉपिक के ऊपर आपने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और मैं फैसला करने लगा हूँ जी इसको फांसी लगा दिए, ऐसा नहीं भाई, आप सिर्फ राय दोगे, आप सिर्फ राय आपको जी देखें जी फांसी देना ठीक भी है, मजहबी लिहाज से ठीक है, फांसी देने से जो है ना वो क्राइम कम होता है, लेकिन देखें ना कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर फांसी की सज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी क्राइम का रेट उतना ही है जितना उन ममालिक में जहाँ पे फांसी सज़ा दी जाती है वहाँ पर है। यानी कि आप अपना अपना ओपिनियन देंगे, ये ठीक है आप अपना ओपिनियन देंगे, इसको सिर्फ आप ओपिनियन ही देंगे, आप इसको खुद के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यानी कि दो किस्म की पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती हैं, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आप इंप्लीमेंट नहीं खुद के ऊपर राय देंगे भाई इस तरह ठीक हो सकता है, मशीयत इस तरह ठीक हो सकती है ठीक कर लो, इकोनॉमी इस तरह ठीक हो सकती है, करप्शन मकाओ ये करो वो करो ठीक हो सकती है, वो माने ना माने उनकी मर्जी, ये पर्सनल स्टेटमेंट है, रॉकेट साइंस नहीं है। तीन चीज़ें, मेरा नाम अब्दुलरहमान यासीन है, मैं बहसी के तालिबे इल्म, ये राय रखता हूँ, मेरा ओपिनियन शुरू हो गया, लिखते जाओ, एक सफाई में खत्म हो, दैट्स इट।
ये सारे का सारा गेम है, ये सारे का सारा मामला है, ये सारे का सारा माजरा है। लेकिन ऐसे इस तरह भाई नहीं है, ऐसे के अंदर फुल जो है ना वो एक पाबंदी है, एक पूरा जो है ना वो कायदो जाबित है, नज़्म व ज़ब्त है, उसको फॉलो करना पड़ता है। लॉ हाउ टू राइट ऐसे इन लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुलरहमान यासीन, ये सर्च करो। मेरा टॉप जो लेटेस्ट जो मेरी वीडियो है वो लाजमी सुन के जाओ, लैट टेस्ट के अंदर आप फेल नहीं होगे। एक आखिर में चीज़, abdulrahmanfoundation.com पर जाएं, लेटर के बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर मेरे जो सिर्फ वो लेक्चर जो इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वो ही वहाँ पे अपलोड, सारी वीडियो वहाँ पे अपलोड नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जाकर वो लेक्चर्स में सुन लेना, इंशाल्लाह लेट का आप क्लियर हो जाएंगे और आप आने वाले वक्त में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेकर एक अच्छे वकील बनेंगे। दीजिए इजाज़त, हम आ लेना। थैंक यू।